हाँ तो भाई आज बात करेंगे स्वराज ट्रैक्टर आया है, स्वराज 744 फोर स्टार रिवर्स पीटीओ। ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है कि ट्रैक्टर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, ट्रैक्टर दब रहा है और ट्रैक्टर धुआं देता है, और स्वाभाविक है ये चीजें होंगी तो ट्रैक्टर डीजल भी ज्यादा लेगा। ये प्रॉब्लम है किस ट्रैक्टर में आती है? ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ जो थ्रेशर पे जो ट्रैक्टर चलते हैं उन्हीं में ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हमने इसकी सिर्फ दो चीज खोली है, और अगर आपके ट्रैक्टर में भी ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको ये दो चीजें चेक करना है। एक इसका रेटर चेक करना है और एक इसका एयर क्लीनर चेक करना है। अगर आपका ट्रैक्टर थ्रेशर पे चलता है तो ये चीजें आपको चेक करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ अभी बताएंगे हम आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो अभी तो मेरे पास ये सर्विस पे आए हैं तो साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। अगर आप फील्ड में हो या आपने जैसे अभी इस ट्रैक्टर सर्विस करवा के जाता है मेरे पास, फिर इसमें कोई समस्या आती है 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है उस विषय में बात कर लेते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर धुआं देता है और ट्रैक्टर दबता है और डीजल खाता है तो आपको सिर्फ इसका जो एयर क्लीनर चेक करना है और कोई सी भी चीज चेक नहीं करनी है। और अगर आपका ट्रैक्टर धुआं नहीं देता है, दबता नहीं है, डीजल नहीं लेता है, सिर्फ ट्रैक्टर गर्म हो रहा है तो सिर्फ आपको इसका जो रेटर है वो चेक करना है। और रेटर कैसे चेक करना है? ऐसे रेटर चेक नहीं होता है, इसकी ये जाली खोलना है। जाली खोलने के बाद यहाँ से हमें इसको बैठ के देखना है, हमारा जो अंदर की पंखड़ी नजर आ जाना चाहिए। अभी आप देखना इसका बहुत ज्यादा जाम है, अभी प्रेशर से साफ करके भी दिखाएंगे इसको। तो इधर से हमारे जो इधर से जब हम देखेंगे तो पीछे इसमें पंखी जो इसका पंखा लगा हुआ है वो नजर आ जाना चाहिए। तभी तो आप देखो बहुत बुरी तरीके से जाम है, ये पूरा डस्ट से फिक्स हुआ हुआ है, इसीलिए ये गर्म हो रहा है और कुछ भी कारण नहीं है। ट्रैक्टर ज्यादा पुराना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको इधर से प्रेशर लगाना है, या तो आप इसमें हवा का प्रेशर लगा सकते हो। सबसे पहले सूखा जब रहता है तो आप इसमें, अभी तो हम इसमें पानी का प्रेशर लगाएंगे क्योंकि हमने इसको पूरा खोल लिया, पानी का प्रेशर लगाएंगे। आपको सिर्फ पहले इसमें हवा का प्रेशर लगाना है। हवा का प्रेशर लगाने के बाद, इधर से प्रेशर लगाने के बाद फिर इसको हवा के प्रेशर को इधर से लगाना है। उसके बाद इसमें आप हल्के हल्का इसमें पानी का प्रेशर लगा सकते हो। अभी अब तो हम इसको पानी से साफ करेंगे। एक इसकी ये देखो, इसका जो एयर क्लीनर है जिसमें ऑयल है डालते हैं हम, तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? इससे आपकी प्रॉब्लम आएगी, आपका ट्रैक्टर दबेगा, ट्रैक्टर धुआं देगा, ट्रैक्टर डीजल खाएगा। इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि आप देख सकते हैं ये इसको बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ये सांस कहाँ से लेगा? अगर इसको प्रॉपर मतलब हवा नहीं मिलेगी तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो सही निकल के नहीं आएगा। आप देख सकते हो पूरी ये जाम हो चुकी है, पूरा ये इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल रहा ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी होती है। मैंने अभी आपको बताया कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सी चीजें चेक करना है। अगर ट्रैक्टर सिर्फ गर्म होता है तो सिर्फ आपको इसका रेटर चेक करना है और किसी चीज को चेक नहीं करना है। इसके बाद भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है। अभी तो इसका ये रेटर क्लीन है तो हम इसको सफाई नहीं करवाएंगे। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर ये रेटर खुल के और अंदर जो इसकी लाइन है ये लाइन क्लियर होगी। वो मेरे पास कभी जॉब आएगा तो उस पर अलग से वीडियो बना के देंगे आपको। तो अभी मेरे पास ये आया था कि मैं ट्रैक्टर कल ये कंडीशन थी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और इसकी जो कांटा है गर्मी का तो ये लाल पे के करीब चल गया था, मतलब पीले और लाल के करीब चल गया था, तो वो ज़्यादा गर्मी है। तो हमें सिर्फ करना कुछ नहीं है, नॉर्मल जो हमें सर्विस करते हैं उस तरीके से सर्विस करेंगे, और इसके रेटर की और एयर क्लीनर की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। तो अभी रेटर की सफाई करेंगे प्रेशर चालू करके। तो अभी आप देखना इसमें कितनी डस्ट निकलेगी, ये देखो इधर, ये देखो आप कितना, ये अभी आपके सामने प्रेशर लगा रहे हैं इसलिए ट्रैक्टर गर्म होता है। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसका रेडर खोला आपको दिखाने के लिए कि जब ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा तो क्या होगा। आप बताओ कितनी इसमें जो हमारी मिट्टी है और ये डस्ट जो रहती है
बहुत ज्यादा इसमें डस्ट है। अब आप देख लो कैसे ट्रैक्टर चलेगा। ये काम आप स्वयं भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। ट्रैक्टर को कंप्रेसर पर लेके जाना है और वहाँ कंप्रेसर वाले से बोलना है कि इसको पहले हवा से साफ करें और पहले पीछे से प्रेशर लगाएं ताकि इसकी जो डस्ट है वो सारी बाहर आ जाएगी। फिर इसको इधर से प्रेशर लगाएंगे। अभी आप देख लो इसमें कितना। इसी तरीके से हम इसकी जो एयर क्लीनर की जाली है उसको साफ करेंगे। पहले इसको डीजल से साफ करेंगे, फिर पानी से साफ करेंगे, फिर उसको हवा से साफ करेंगे। तो ये जानकारी थी। ट्रैक्टर हम क्या करते हैं, इसको बाहर से एक बार देख लेते हैं कहाँ भाई रेडर क्लियर हो गया। तो रेडर क्लियर नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा कुछ नज़र आता लगता है कि यार मेरा ट्रैक्टर ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो फिर इसको रेडर को खोल लें या किसी जो भी आपके पास मैकेनिक है उससे खुलवा लें और इस तरीके से इसकी सफाई करें। फिर आपका जो ट्रैक्टर है बिल्कुल नए जैसा चलेगा। बिल्कुल जो नॉर्मल गर्मी है वो तो लेता ही है ट्रैक्टर, 70-80 डिग्री उतना तो होता ही है। और बाकी वो गर्म नहीं होगा जो आपके, इससे और भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना। इसकी वजह से आपका इंजन भी सीज हो सकता है। ये छोटी समस्या मत मान के चलो आप, बड़ी समस्या है। इससे आपका जो इंजन है वो भी सीज हो सकता है। और इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं आएगा, ना के बराबर इसमें कोई खर्चा नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी खर्चा नहीं है इसमें। और अगर इसकी वजह से हमारा इंजन सीज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। पलटा के लगा दो एक बार, आज इधर से लगा दो अभी। तो अभी आपने देखा कितनी देर से इसमें प्रेशर लगा हुआ है, फिर भी इसमें ये कंडीशन आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये जाम था। मैंने इनसे भी बोली थी फ़ोन पे, पर इन्होंने जिस तरीके से इसकी सफाई होना चाहिए थी वैसे की नहीं। तो सफाई किस तरीके से होना चाहिए मैंने आपको बताया, इस तरीके से इसकी सफाई होना चाहिए। अब देखना ये ट्रैक्टर बिल्कुल स्मूथ चलेगा और बिल्कुल ऐसा चलेगा जैसे आज ही ट्रैक्टर को लेकर आए हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अभी मैं साफ कर दूंगा तो मान लो ये जो प्रॉब्लम है ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद भी आ सकती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि हर टाइम मैं इसको वहाँ आके चेक नहीं कर सकता। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ इसको कैसे क्लीन करना है। ट्रैक्टर अंदर से बिल्कुल क्लियर है तो हम अंदर से इसकी सफाई नहीं कराएंगे अभी। अभी आपने देखा कि कम से कम इसको 5-10 मिनट हो गए हम इसको धोते हुए, और फिर भी मिट्टी वैसी ही निकल रही है। अब जाके थोड़ा साफ हुआ है। अब ये जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हमें इसको साफ करना पड़ेगा। और यही मेन प्रॉब्लम थी ट्रैक्टर के गर्म होने की। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है डायरेक्ट किस चीज़ को हमें चेक करना है, वो स्टेप बाय स्टेप ये है कि पहले इसको रेडर को चेक करेंगे, उसके बाद समस्या आती है तो रेडर की सफाई करवाएंगे। उसके बाद भी समस्या रहती है तो फिर हम आगे इसका चेक करेंगे। पर इतना चौक और होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें कोई समस्या निकलेगी। वैसे नया ही ट्रैक्टर है, ज़्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी। अंदर से भी इसमें इस तरीके से इसमें प्रेशर लगा लेना है। अब देखो आप अंदर भी इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। अगर आपको लगे तो इसकी सफाई भी करवा लें। इसमें वैसा कुछ ज़्यादा पेमेंट लगता नहीं है सफाई में। आप चाहो तो इसमें सर्फ डाल के और ट्रैक्टर को दिन भर चला के वैसे भी क्लीन कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसके साफ करने के। हाँ, तो अभी इसमें जो एयर क्लीनर में ये इतनी डस्ट निकली है भाई, आप देखो कैसे हमारा ट्रैक्टर सही साइड चलेगा। इतनी ज़्यादा इसमें मिट्टी और डस्ट है, उसको भी इसी तरीके से साफ कर लेना है। जाली को पहले डीजल से क्लियर करना है, डीजल के बाद इस तरीके से इसमें प्रेशर लगा लेना है और आपका जो ट्रैक्टर है बिल्कुल स्मूथ चलेगा नया जैसा।
ये सावधानी आपको रखनी है, तभी जाके आप ट्रैक्टर की जो लंबी उम्र ले सकते हो। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी जिसमें आपके डीजल की जो वो बचत भी होगी और ट्रैक्टर भी अच्छे से चलेगा, ट्रैक्टर खुल के चलेगा। इस तरीके से इसको सर्वे करना है और ज़्यादा हम उसमें कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि वो विषय भी नहीं है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।